पाकिस्तान जूं पहिरियूं जदीद इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त बसूं कराचीअ जे रोडनि ते हलणु शुरू थी वियूं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस मॉडल कॉलोनी टैंक चौक एयरपोर्ट शाहरा फैसल FTC कोरंगी रोड ख़याबान एताद सी व्यू ताईं हलंदियूं ऐं भाड़ो बि 50 रुपया हूंदो। मीडिया सां इफ़्तिताही तकरीब में ख़िताब कंदे शटील मेमन चयो आहे त इलेक्ट्रिक बसूं हिकु दफ़े चार्जिंग खां पोइ 200 किलोमीटर हलंदियूं आहिनि। घटि भाड़े में बहितरीन सर्विस सां इहे बसूं हलंदियूं। सिंध हुकूमत कराची समेत पूरे सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतर सफ़री सहूलियतूं मुहैया करण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। शजील मेमन मुखालफ़नि मथां कराची समेत सिंध में कम न करणु ऐं TV ते फितना फैलाइण जो इल्ज़ाम लॻायो। पूरे पाकिस्तान भर में आज तक कोई बि असां शहर नही है जहां पे ये EV बसिस शुरू की जाएं। ये EV बसिस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बिजली पे चलती हैं, चार्जिंग पे इनका ईंधन चार्जिंग है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट में पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। इससे पहले वफाकी हुकूमत 3.5 साल रही, आपने देखा कि कोई एक टके का काम भी, एक रुपए का काम भी, सिंध पूरे सिंध की बात करता हूँ, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं किया जहां से झूठा मैंडेट लेकर आए थे, लेकिन सिंध भर में एक टके का काम नहीं किया। सिर्फ TV चैनल्स पर मुख्तलिफ पार्टी के लोग आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग TV चैनल्स पर इल्ज़ाम तराशियां बोहतानबाजियां करते हैं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस के हलण खां पोए अवाम भी उनके सारायो। बस में सफर लाइ आयल नाज़िया जो चवणो तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस में बेहतरी थी आहे, इन लाइ सिंध सरकार के हुआ साराए थी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारी जो लोकल बस है वो तो उनका हाल तो आपको पता ही है कि कितना बुरा है, मतलब कितने धक्के खा रहे होते हैं बच्चे आज आते जाते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए मुश्किल होती है। लेकिन इस बस का आप स्ट्रक्चर देख लें, उसके अंदर की जो सीट है कितनी कम्फर्टेबल है, कितना ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसको यानी कि मैं ये बोलूँगी कि सबको बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद दूँगी कि हमारा फाइनली एक मसला था जो कि हल हो चुका है, और अपने सिंध गवर्नमेंट को मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ही ये हल किया है। इस रूट पे जो है ना अभी इस वक्त जो है ना 10 बसें शुरू हुई हैं, और रूट यहाँ क्लॉक टावर से है, इतिहाद डिफेंस मोड़ और शारा फैसल से होते हुए एयरपोर्ट और मलिर कैंट तक इसका रूट है। फी पैसेंजर 50 रुपये इसकी चार्जेस हैं, और बहुत ही अच्छी सर्विस है, कंफर्टेबल सीट्स लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त बस सर्विस है ये, तो लोग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और पीपल्स बस सर्विस जिते शहरीन लाइ बेहतरीन आसान ऐं साफ़ सुथरी सफरी सहूलियत जो सबबु आहे, उते पहिरियों भेरो कराची एयरपोर्ट खां अवामी सफ़र में अकबर आई ऐं पोश इलाइक़नि जे माण्हुनि तोड़े उते रोज़गार लाइ वेंदड़नि खे शहर जी हिकु कुंड खां ॿी कुंड ताईं रसाई जो ज़रियो बि आहे। कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी सां गॾु फयाज़ कुरैशी, सिंटीवी न्यूज़, कराची।